उधर भीलवाड़ा में कोटड़ी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा हत्याकांड को लेकर सरकार एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर तीन मंत्रियों के दल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुलाकात की। मंत्रियों के दल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। दल ने घटनास्थल का निरीक्षण करके अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के दल ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, इसके साथ ही आपको बता दें राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर शामिल रहे। मंत्रियों के दल ने बताया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता का चेक दिया गया है और इस मामले में किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो है वो तुरंत उसी दिन आ गए थे चार, और बाकी जो अरेस्ट आ रही है उसमें इस पूरे केस को पूरा बारीकी से हमारे एडीजी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा इस केस को जल्द ही इसके अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लगवा करके इसमें मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जाएगी इस तरीके का कुकृत करने वालों को ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है बड़ी से बड़ी वो सजा इनको दिलवाने में राज्य सरकार पूरा ताकत लगाएगी। जिन लोगों ने इस मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास किया उनको भगवान ने जवाब दिया, उनको जनता जनार्दन ने जवाब दिया, और इस मुद्दे पर जो लोग अपने मणिपुर के दामन के दाग लगे हुए थे उन दामन के दागों को धोने के लिए इस मुद्दे के अंदर जो राजनीति कर रहे थे, सब लोगों की सजगता और क्षेत्रवासियों की एकता के कारण उनके मंसूबे विफल हुए और सर्व समाज ने फैसला कर दिया कि हमारे को बेटी की लाश के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि किस तरह से इन अपराधियों को फांसी के फंदे तक हम लटकता हुआ देखें, और यहाँ पर हम लोगों ने फैसला किया। फैसला करके उस फैसले की के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसको न केवल सहायता समय पर मिलेगी बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से टीम लगाऊंगा और वो टीम इन अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। रात को 2:30 बजे मुख्यमंत्री जी का मेरे पास फोन आया कि मैं खुद पहुंचता लेकिन मेरे पांव में अंदर चोट है, इसलिए मैं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी को भेज रहा हूं और तुम उनके साथ जाना और वो चेक जो मेरी सहायता का है वो चेक उस पीड़ित परिवार तक पहुंचाना और ये कहना कि राजस्थान सरकार तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी है और हर समय पर खड़ी रहेगी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पेशल मॉनिटरिंग करते हुए स्पेशल अधिकारी एमएम दिनेश जी को यहाँ भेजा, डॉग स्क्वाड, एमओबी, एफएसएल, तमाम वो एविडेंस कलेक्ट करके इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस एसपी एंड टीम, जो स्पेशल टीम बनी है जयपुर से, उन सबकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज हमारे गृह मंत्री जी, भाई धीरज जी, बीज निगम अध्यक्ष जी, मैं खुद स्वयं, धीरज जी तो पहले भी आ गए, और मैं खुद स्वयं उनके परिवार को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो मदद हो सकती, समाज के लोगों ने भी की, आसपास के लोगों ने भी की, राजस्थान सरकार जितनी रिलीफ हो वो कर रही। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके परिवार को ऐसी दुखद घड़ी में इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि भीलवाड़ा में गैंगरेप के बाद बच्चे की निर्मम हत्या, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम के व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक पार्टी और सिर्फ हिंदुओं के ही पीएम है। जितनी भी सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह, ये इनके मंत्रियों की सुरक्षा में जो लगी हुई है, जो उन्होंने इस तरह के दानव जो हैं, राक्षस हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और कोई भय नहीं है उनको इस तरह की हरकत करने का, इसका पूरा का पूरा इल्जाम, इसका श्रेय राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के खोखले नारों की वजह से है। ये चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी की वजह से है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस परिवार से जाकर।